जहाँ तक रही पढ़ाने की बात, 90% ऑफ जो भारतीय हैं हमारे बच्चे जो हैं वो CBSE और कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, जहाँ भगवत गीता का तो उनके उपदेशों का तो छोड़िए, मतलब जो ढंग के संस्कार होने भी चाहिए वो नहीं, विदेशी संस्कार है, उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ही पढ़ रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पर के अपने पैरों पर खड़े हों, उसकी आड़ में कुछ और ही संस्कार दिए जा रहे हैं, किताबों को पढ़ने बदलने की ज़रूरत है जी। वहाँ आता है गुरुकुल का विलुप्त हो जाना, जहाँ ये असल में हर बच्चे को भारत में पढ़ाया जाता था पहले, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, या आप भी आगे गुरुकुल के लिए सोच रहे हैं कि मैं भी आगे बच्चों को शिक्षित करूं जी, या कुछ किताबें होनी चाहिए इसके लिए? भाव तो है, मन की एक इच्छा तो है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है बच्चों को अध्यात्म से जोड़ने के दो ही सबसे अधिक बड़े उपाय हैं, वो है फर्स्ट इज़ पेरेंट्स और दूसरा है उनके टीचर्स, यानी एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर युवा वर्ग को अध्यात्म से जोड़ना हो तो वहाँ पर शिक्षा पद्धति में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो विलुप्त हुआ और उसी का कारण है कि आज के बच्चे अपनी लाइफ के शुरुआत से मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे आपने नाम लिया, लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं विदेश की जो भगवद गीता को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, विदेश की, लाइक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में भगवद गीता को ऐड किया गया है एज अ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भगवद गीता का महत्व समझ में आ गया है कि भगवद गीता केवल एक कृष्ण और अर्जुन के दृष्टिकोण से नहीं, मुझे लगता है अगर इस विश्व का सबसे पहला कोई मोटिवेशनल स्पीकर रहा है तो वो कृष्ण रहे हैं, बाकी छोटे मोटे सब बाद में आए हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ भयानक युद्ध चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में एक आदमी के मन को शांत कर देना कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, और वो मान भी गया, कितनी बड़ी शक्ति होगी उस भगवद गीता में, उस 18 अध्याय में, कि उसका पूरा एक दृष्टिकोण बदल गया। कुछ ही उसको सुनते ही उसने अपना धनुष उठा लिया और कि ठीक है, मैं अब युद्ध लड़ूंगा, मैं अब जीत के दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो भगवद गीता है उसको दोनों तरह से देखना चाहिए, आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान में विश्व, उसके लिए भी गीता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भगवान के मानने वाले को है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने ऐसी चीज़ों को बताया है जो आज के बच्चों के वे ऑफ थिंकिंग को बदल सकता है। भले आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, भले आप कोई बहुत जो चीज़ें आजकल चल रही हैं सिंगिंग डांसिंग बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने अध्यात्म को साथ लेके चले। कृष्ण जी के पास तो 16 कलाएं थी, अब इतनी 16 कलाएं भगवद गीता में जो जो उनके उनकी अलग अलग धारणाएं बनती हैं, सुनने वाला कुछ और भी समझ जाता है जी। समझ रहे हैं आप, जैसे कामदेव को लेके एक अलग ही उठ गया जी। और वो काम जीतने वाला देव होता है जी। उसको अलग उठा। सेम मैंने आज भी देखा है जो भगवद गीता बड़े लोग जो टीवी पे सुनते हैं वो उसका अपना ही अर्थ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवद गीता और आपने अष्टवक्र गीता को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वो दोनों, वो सीधी सीधी बात है, और अष्टवक्र गीता में बिल्कुल सीधा बोला गया है कि, और उसे नास्तिक वाले ज़्यादा अपनाते हैं, है दोनों एक ही चीज़। आपने बोला कृष्ण सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे, और अष्टवक्र के बारे में क्या कहना? नहीं देखिए, मैं सबका सम्मान करती हूँ, उसकी एक अपनी उपाधि है, अपनी एक महिमा है, लेकिन कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उसकी वाणी भी कलाओं से परिपूर्ण होगी। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि उनकी वाणी को हम कुछ तोड़े मरोड़े या उसका कुछ अलग अर्थ निकालें। भगवद गीता के बहुत बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसके भाष्य किए हैं, उसकी ट्रांसलेशन की है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जी। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में जितने भी सीरियल्स बनते हैं मैं उनसे पूछता हूँ राइटर से, भैया आपने कैसे लिखा? करे महाभारत का है जी। ये वाला इमोशन महाभारत का, ये भाभी ननंद, ये वे फलाना, ये इसको चीट करो, मैं सारी चीटिंग तुम्हें महाभारत में दिखी। उन्होंने उस तरीके से भगवद गीता को पढ़ा है, उनसे आप पूछो कोई भी, सब पता है उनको, पर वो परे हैं उस चीज़। मुझे क्या लगता है
जो ज्यादा इन चीजों पर तर्क करते हैं ना, मुझे लगता है उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। अगर आप कंटिन्यूसली महाभारत को पढ़ते हैं डेली के बेसिस के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा लगा के, तो महाभारत अकेली ही पूरा करने में आपको कई साल लग जाएंगे। क्या किसी ने साल भर लगा के महाभारत पढ़ी है? नहीं पढ़ी। और उसके बाद कहते क्या है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जैसे आप बोल रहे हैं, मैंने भी सुना है, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, घर में रखते तो झगड़ा हो जाता है। ये कहाँ लिखा है? जो अंधविश्वास वाली बात आई थी ना, वो यही है कि आप कभी भी किसी चीज़ को, आज मुझे जो लगता है सबसे बड़ी परेशानी भारतीयों में ये है, वो धर्म पे भाषण तो बहुत देते हैं, धर्म के बारे में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म के ही, हिंदू धर्म के ही 90% लोग होंगे जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी नहीं है, ठीक है, 18 अध्याय जिन्होंने पढ़े नहीं। सिर्फ मैंने उससे सुना था कि ऐसा ऐसा है, मैंने सुना भगवद गीता थोड़ी टिपिकल है, मैंने सुना अष्टवक्र गीता इसमें ये, आपने पढ़ा क्या? आप जब तक पढ़ेंगे नहीं उस चीज़ को, वो पढ़ने के लिए इसलिए क्योंकि धर्म को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे समाज में फैली हुई है। वो कन्फ्यूज़न, जो संशय, वो दूर होगा जब आप खुद उस भगवद गीता को पढ़ेंगे। अगर आप खुद भगवद गीता को पढ़ लेते तो मेरा ये ऐसा पर्सनल अनुभव है, आपकी दिमाग की जितनी भी संशय हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्लियर हो सकते। इतनी अच्छी जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, तो बस मेरा निवेदन है कि उस पर बोलने से पहले उसको एक बार पढ़िए जरूर। चलिए, आपने पढ़ने की बात की। आजकल ना वीडियो का जमाना हो गया, लोग देखते हैं जी। और महाभारत में एक दुर्योधन जब पानी में गिरता है, उस पर द्रौपदी हंसती है, लेकिन उसका भगवद गीता में, तो महाभारत की, उसमें वर्णन नहीं है जी। वो प्रतिबिंब था और वो उसका द्रौपदी को लेने देने, वो तो गेट पर थी, आई थिंक, मैं अगर सही हूँ तो। पर लेकिन जो महाभारत गांव-गांव में दिखाई गई उस टाइम, उसमें ये द्रौपदी को ये दिखाया गया, वो गिरा, उस पर हंसी, उस बदला लेने के लिए महाभारत शुरू हुई कि भाई अभी इसमें कितना सत्य है, ये अभी भी चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें होता क्या है, ये कारण ये है कि जैसे बहुत समय पहले एक रामानंद सागर जी की आई थी, महाभारत आई, रामचरितमानस रामायण आई, और चीज़ों के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रियल थी। लेकिन केवल देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यूट्यूब से बस पढ़ लेता हूँ और उसी से मैं अपना मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए उसकी पूरी डिटेल्स जाननी पड़ेगी। तो ठीक है, आप जो टीवी पर आते हैं, सीरियल्स आते हैं, हमारे मैथोलॉजिकल शोज आते हैं, बट उन पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन देखिए, हर व्यक्ति को, खासकर ऐसे जो शोज़ होते हैं, उनको एक TRP चाहिए होती है, उसके लिए थोड़ा सा तो कहानी को बनाना पड़ता ही है। मैं ये नहीं कहती पूरी तरीके से सत्य भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बनावटी भी होती हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर आप देख भी रहे, देखिए, लेकिन जैसे आपने ये एक उदाहरण दिया, तो आपको अगर आपने वो देख लिया तो फर्स्ट उसे टैली करिए आप अपने घर की महाभारत से। आपके घर में महाभारत हो, उसको पढ़िए। अब परेशानी ये है कि हमारे पास होती ही नहीं है। हम सनातनी कहते हैं हमारे घर में महाभारत नहीं मिलेगी, भगवद गीता नहीं मिलेगी, रामचरितमानस नहीं मिलेगी, और फिर हमें लगता है कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक कोई टैग नहीं है कि आपने कह दिया मैं धार्मिक हूँ, बन गया धार्मिक। उसके लिए आपको धर्म की चीज़ों को जानना होता है। मुझे लगता सारा सॉल्यूशन एक ही है, हर व्यक्ति को अपने घर में अपने फैमिली के साथ थोड़ा समय बैठ के कोई हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ना चाहिए। मैंने भगवद गीता ना प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज में बड़ी रखी देखी है, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते होंगे व्यापारी पर आते हैं। व्यापारी के लिए कितना मुश्किल है सत्य को जानना, एक उसका प्रतिबिंब भी देख लेना। मेरे को लगता नहीं उसके 24 घंटे में उसके पास 1 मिनट भी टाइम होता हो, लेकिन वो मैंने ज़्यादातर कथाओं में बैठा देखा है, वो दान दे देता है, बस वो सोचता है कि मैं अपना पाप धो रहा हूँ। वो क्या सत्य तक पहुंच सकता है और कैसे? बिल्कुल पहुंच सकता है। मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं, अपना भजन भी करते। पहले तो आपको चुनना होगा,
देखिए हर व्यक्ति की ना एक प्रायोरिटी होती है, मेरी किस चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि केवल मुझे पैसा कमाना है, या मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि पैसा तो हो ही हो लेकिन वो सच्चाई का हो, ईमानदारी का हो, मेरे पैसे के साथ साथ मेरे जीवन में शांति भी हो। अगर आप उस शांति रूपी फैक्टर को पाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने व्यापार को लेके, अपने हर कर्म को लेके सही होना पड़ेगा। कर्म गलत नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाच, कर्म करो लेकिन उसका एक तरीका होता है करने का। फिर कहेंगे कि नहीं झूठ बोलने से तो व्यापार चलता नहीं है, ये उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है कि हमने भगवद गीता में सीखा है, कृष्ण जी ने बोला है जहाँ बोलना पड़े बोलो। नहीं, भगवान कृष्ण कभी ऐसा वही तो पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, बस बोल दिया, मैंने उससे कहा, उसने भी मान लिया, उसने तीसरे, ये चेन चल रही है। मैं 10 से 12 बिजनेसमैन से मिला हूँ जो रख के बैठे, उनसे मैंने यही पूछा और वो यही कहते हैं, यही बताती है। मैंने कहा आपने पूरी पढ़ ली, अगर वो अगर जानते होते तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है जब आप कोर्ट में जाते तो पहले आपको भगवत गीता पे हाथ रखवाया जाता है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मीन्स कि वो इस बात की साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर आप भगवत गीता का सहारा लेके झूठ बोल रहे हैं तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग गंगा को लेके पाप करते हैं, गंगा पाप धोती है, गंगा पाप धोती, हम पाप कर लेते हैं उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे खत्म हो, ऐसे पाप गंगा जी नहीं धोती, ऐसे पापों को ना गंगा जी स्पर्श करेगी ना कोई, तब तो यमराज जी आएंगे उनका परिणाम देने के लिए। गंगा पाप कब धोती है? गंगा पाप तब धोती है जब आप से कोई हो गई गलती, पाप हो गया अनजाने में, आपको पता लग गया कि मैंने गलत कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं पश्चाताप करूँगा, अब गंगा जी से जाके निवेदन करूँगा, हे माँ भूल हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा, तब गंगा जी आपके पापों को क्षमा करती, भगवत गीता तब आपके अपराधों को क्षमा करती। अगर आप धर्म के नाम पर पाप करेंगे तो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, आपको उस पाप से नहीं बचा सकती।